सोना बना रहे आलू से, बना रहे बन जाएगा, राहुल जी कहते हैं तो बन जाएगा। 2024 में बिना किसी संशय के चाहे कोई और प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर जाएगा, वापस जाएगा। जितना उसने इस 5-7 साल में कर दिया ना, इस 70 साल में नहीं हुआ था। ये मोदी 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 करने से मोदी नहीं आएगा वहाँ, ना ना ना, ये चोर प्रधानमंत्री नहीं आएगा। एक बात नहीं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप, जो लोग बोल रहे रोजगार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग करना नहीं चाह रहे हैं काम, ठीक है, रोजगार बहुत सारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल जब भी किसी से चर्चा की जाती है या कोई भी हम मुद्दे को लेकर के आते हैं तो लगातार पब्लिक इतनी परेशान है कि वो कह देती है नो कमेंट्स, लेकिन बहुत से लोग जवाब भी देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक को कहना पड़ रहा है नो कमेंट्स? क्यों, क्या वाकई कोई मुद्दे अब रह ही नहीं गए हैं जिस पर चर्चा की जाए? चलिए आइए जान लेते हैं। क्या नाम है माता? राधा। राधा, हाँ राधा जी, क्या लगता है कि आज के समय, वर्तमान समय में इतनी तमाम पार्टियां हैं, बात करती हैं फ्री सामान देना है, ये देना है, लगता है जनता के लिए काम हो रहा है ना? क्या हमें हो रहा है? हाँ, लेकिन फिर भी जनता कह देती है हमें इस विषय पे बात ही नहीं करनी है। नहीं, हो रहा है ना, जो करना है उन तुमको लोगों को, वो तो करने वाले लोगों को जो करना है वो लोग करेंगे, ऐसा है ना। एक एक से मन में नहीं होता, सबसे हिसाब से करना पड़ता, सबके हिसाब से करना है, एक के मन से नहीं होता। क्या लगता? नहीं नहीं, काम तो हो रहा है, इंडिया में काम तो हो रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, अब काम हुआ, क्या देखा? इतना तो देखा, इतना सारा हुआ मॉडिफाई, और क्या, और क्या चाहिए आपको? सोना बना रहे आलू से, बना रहे बन जाएगा, राहुल जी कहते हैं तो बन जाएगा। ये लेडीज की टॉर्चर का लोग गलीज मटल आंध्रा मुल्लापुड़ मार रहा, टीम लीडर गलीज होगा। सो लेडीज की रक्षा नहीं, बच्चा किडनैप करो, इंडिया कल्चर बम, मिस इंडिया। सो फ्रॉड की सरकार बात करो ना, सो सरकार सपोर्ट नहीं, कोई सरकार काम नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडलिकेट डुप्लीकेट जजिस, सो महिला की रक्षा नहीं, कौन है डॉक्टर्स, कौन है जजिस? सो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कितना टाइम बात करो ना, सो प्रधानमंत्री जी अभी टाइम महिला की, आंध्र महिला की रक्षण, इंडिया कल्चर बम, कितना मंदी मर गया, डेड बॉडी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऊपर एडमिशन। सो गलीज की दुजोर पास उनीलू मुल्लापुड़ मारता रिलेट का कोई सुनवाई नहीं। सो बच्चे वाला किडनैप, किडनी डोनेटिंग, आइस डोनेटिंग, मर्डर्स की सरकार सपोर्ट, राहुल गांधी जी रिलेट हुआ मुल्लापुड़ मारता, गांधी वासू। सो कोने सपोर्ट महिला की, मैरिज सर्टिफिकेट रद्द करो ना, कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और तमाम बातें तो कह दी जाती है। सुरक्षित हो क्या हुआ महिला की, बच्चे वाले सुरक्षित हो, लंदन इतर राष्ट्रालू अच्छा अच्छा फूड डोनेट करो ना बच्चे की। सो महिला की अच्छे अच्छे जॉब, अच्छे अच्छे दवाई दे दो ना। सो एक बच्चे ही सुरक्षित हो क्या हुआ? बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित हो क्या हुआ? क्या लगता है 2024 में बिना किसी संशय के चाहे कोई और प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर जाएगा, वापस जाएगा, ये वापस जाएगा। लेकिन काहे पब्लिक कह देती है माइक लगाओ कि नो कमेंट्स, हमको कुछ कहना है? इसलिए कि ये महाराजा है, मोदी महाराजा है, ये जिस सीट पे बैठा है इसको ये नहीं पता लगा, इसको ये नहीं पता लगा कि मैं कौन हूँ इस सीट पे बैठ के। जिसके अंदर छल कपट चतुराई बेईमानी ईर्ष्या है वो कभी भगवान नहीं कहलाता है, वो दुश्मन कहलाता है। आज दिल्ली में, पंजाब में अगर केजरीवाल काम कर रहा है तो तुम्हारे राज में ही तो कर रहा है, तुम्हारे राज में अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी टांग पकड़ के खींचो तो मत, उसे करने दो, तुम्हारे राज को अच्छा बना रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ मत समझो पब्लिक को। अब वैसे ही कल दिख गया, कल के रैली में दिख गया, जो दिखता है वो बिकता है। कल की रैली में तो बहुत से लोग आए थे जिन्हें पता ही नहीं वो वहाँ आए क्यों हैं। सबको पता था, ऐसा नहीं था कोई किराए पे नहीं आए थे, पूरे दिल्ली वासी थे, 2 करोड़ जनता के वासी थे जो वहाँ पर कल आए थे, और जनता केजरीवाल को चाहती है। लेकिन फिर क्यों केजरीवाल की ही जनता कहती है कि उनको पानी सही नहीं मिल रहा है, बिजली सही से नहीं मिल रही? जितना उसने इस 5-7 साल में कर दिया ना,
ये 70 साल में नहीं हुआ था और ना ऐसा सीएम कभी आया था और ना आएगा, लेकिन 2024 में आपको केजरीवाल कुछ और दिखेगा। केजरीवाल कुछ और दिखेगा, कुछ और दिखेगा। क्या लगता है? प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस आएगा। दावा कर रहे हैं? अब दावा कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल दावा है। अच्छा, ये मोदी 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 करने से मोदी नहीं आएगा वहाँ, ना ना ना, ये चोर प्रधानमंत्री नहीं आएगा, इससे बड़ा घटिया प्रधानमंत्री ना आया था और ना आएगा। 2024 में मोदी ही आएगा, बताओ। और अच्छा होता प्रधानमंत्री दूसरा कौन है इन घर में, कौन बताओ? केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल, केजरीवाल तो दूर दूर तक कहीं नहीं है इसके टक्कर में, बता दो केजरीवाल ने कौन अच्छा काम कर दिया, बता सबसे बड़े बताओ। दिल्ली में, दिल्ली में दिख गया। दिखने से क्या होता है, 500 रुपये दे दो आप भी चले जाओगे, खाना पीना दे दो फ्री हर को चला जाएगा। मोदी टक्कर में कोई है? कांग्रेस में बता दो, राहुल गांधी चेहरा है, अखिलेश है, नीतीश सोच रहा मैं बनूं प्रधानमंत्री, कहाँ तक नीतीश सब दल बदल हुआ बहुत नीतीश तो आज इसमें कल उसमें, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो जाएगा तो क्या हो गया? तो गठबंधन से क्या होगा, जनता वोट देगी तो वो तो पब्लिक ही देगी ना, तो फिर गठबंधन पहले भी हुआ था कांग्रेस का, फिर क्या हो गया था उस टाइम? मोदी अलावा कोई है नहीं 24 में भी, 100% किस उम्र नहीं तो क्या हो गया, क्यों नहीं उम्र है अभी बता दो, दूसरा प्रधानमंत्री बता दो कौन है इसकी टक्कर में, बताओ कोई है तो दूसरा। देखिए मैं क्या आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, जिस दिन आपके बहुत सारे दुश्मन हो जाएं, मींस कि आप उस दिन तरक्की पे चल रहे हो, ठीक है? अच्छा। तो वही नरेंद्र मोदी का है। हाँ। इतने सारे दुश्मन है, मींस कि आदमी सही है, सीधी सी बात है। हाँ। अब आप खुद ही देख लो कि लोग जलते किससे हैं, जो आगे बढ़ता है, ठीक है? दुनिया लोग पैर छूते हैं उसके, ठीक है? दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके पैर छू रहे हैं, और यहाँ के युवा कह रहा है रोजगार ही नहीं दिया, क्यों नहीं है रोजगार का? मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई किया है, मेरे पास रोजगार है। लोग पढ़े ही नहीं है तो रोजगार होगा कहाँ से भाई? मैं एक बात नहीं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप, जो लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ लोग करना नहीं चाह रहे हैं काम, ठीक है? रोजगार बहुत सारा है। मैंने ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास डिग्री है, ठीक है, लेकिन मुझे रोजगार नहीं है। पूछा जाता है कि आपने कोई एंट्रेंस दिया है, बोलते मैंने दिया तो था लेकिन मेरा आया ही नहीं उसमें। अरे भाई जब पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे यार? जब जनता के पास जाते हैं जनता कहती नो कमेंट्स, हमें बोलना ही नहीं क्योंकि कोई पार्टी बोलने लायक है नहीं। नहीं वो उनका एक पर्सनल मैटर है नो कमेंट्स बोलने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गलत है वो। अगर आप करना चाहोगे तो रोजगार है, बिल्कुल है, बिल्कुल सीधी सी बात, रोजगार है। 3 दिन शेष रह गए हैं, क्या लगता है गिरफ्तारी होगी? अगर किसी और पक्ष का बंदा होता वो 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाता, नहीं होगा गिरफ्तार। मैं 43 साल लोगों को कोर्ट में जाते हुए, 43 साल कोर्ट में जाते हैं, इसका मतलब कि इसका मतलब पता क्या है, पहलवान हो जाए क्या लगा है? पर पहलवान तो उठ गए हैं अपनी नौकरी, अभी दोबारा बैठे गए कि उनको उठा दिया गया है, उनको भगा दिया गया है, उजाड़ दिया गया है, उनका जो जंतर मंतर पे धरना था उनको उजाड़ दिया गया है, दिल्ली की पुलिस ने उजाड़ा है, समझे? नहीं, मोदी की पार्टी ने उजाड़ा है, समझे? हाँ जी, वो अगर आज बीजेपी का बंदा नहीं होता ब्रजभूषण, तो अब तक वो कब का गिरफ्तार हो जाता और सब इनके पीछे पूरी सुनवाई होती, लेकिन वो बीजेपी का आदमी है इसलिए कोई सुनवाई नहीं होगी और गिरफ्तार भी नहीं होगा। मुद्दा था कि नो कमेंट्स आदमी क्यों कह दे रहा है, क्या पार्टी से इतना खफा है, और कितना खफा था, कितना प्रशंसक है उनके, ये आपने देख लिया। फिलहाल 2024 के नतीजे बताएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।